अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी समाद। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। माशाल्लाह जी, आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। सबसे पहले मैं माजरत करता हूं आप सबसे कि मैं बड़े दिनों के बाद जो था व्लॉग नहीं बना सका, क्योंकि मैं कुछ मसरूफियात की वजह से व्लॉग मिस हो रहे थे मेरे, और आज का व्लॉग जो है वो मिस करने वाला नहीं है। इसको पूरा देखें, बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि आज जो व्लॉग बनाया है उसमें मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे से राबता किस तरह किया इसमें मैं आपको सारा बताऊंगा। उन्होंने मुझे पहले मैसेजेस किए कि समाद भाई आपके व्लॉग देखे हैं, बड़ा मज़ा आया, बड़े अच्छे व्लॉग हैं, बड़े इन्फॉर्मेशन वाले हैं, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की हैं अभी तक मैंने इस तरह के व्लॉग नहीं देखे। सबसे पहले जी उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, और मैं तो एक आम सा बंदा हूँ लेकिन माशाल्लाह उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी, बहुत रिस्पेक्ट दी। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलाल भाई उनका नाम है, तो उन्होंने लेनी थी गाड़ी, तो वो मुझसे रابطہ करना चाह रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि समाद भाई जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, मैं चाहता हूँ कि आप ही मुझे गाड़ी लेके दें। मैंने कहा मुश्किल नहीं है बिलाल भाई, मैं सबसे पहले तो माजरत करता हूँ मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा हूँ। यकीन करें अगर मैं मसरूफ़ ना होता तो मैं ज़रूर आके आपको वहाँ पर खुद अपने हाथों से गाड़ी लेके देता। तो फिर इसका हल मैंने ये निकाला, मैंने कहा आप एक काम करें, ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे जाके आप जो है ना मुझे कॉल करें, मैं इंशाल्लाह आपको फ़ोन पे ऑनलाइन आपके साथ बात करूंगा, फिर मुझे वीडियो बना के भी भेजें कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं। फिर उन्होंने मुझे सारी गाड़ियों की वीडियो बना के भेजी, मैंने जो उनको रिकमेंड की थी वही गाड़ियों की उन्होंने वीडियो बनाई। वहाँ पे 200-400-500 गाड़ी खड़ी है, लेकिन जो मैंने उनको रिकमेंड की वही गाड़ियों की उन्होंने वीडियो बना के भेजी। उनमें से फिर मैंने एक गाड़ी चूज़ की कि ये वाली गाड़ी की बिडिंग करनी है, इसको हमने जाने नहीं देना हाथ से, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना बहुत ही मुनासिब प्राइस में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि लेंगे इसको। तो अल्लाह पाक के फजलो करम से फिर बड़ी रिजनेबल प्राइस में हमने गाड़ी वो वहाँ से ली। ठीक है, मैं फ़ोन पे ही गाड़ी लेके दे रहा था उनको, तो बड़ा जी माशाल्लाह अच्छा उनका भी एक्सपीरियंस रहा, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। वो प्रॉपर बाकायदा जो हैं वो मेरे पास आएँगे और बाकायदा एक आपको जो है ना व्लॉग बना के दिखाएंगे कि आप वाकई वो हैप्पी हैं या मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो चलें जी इंशाल्लाह आगे आपको दिखाते हैं कौन सी गाड़ी ली है, क्या मॉडल है गाड़ी का, और ये गाड़ी कितने में ली, और क्या क्या आगे हुआ इस प्रोसीजर में। लेकिन एक चीज़ आपको बताता जाऊँ मैं, गाड़ी लेने से पहले मैंने एक अपने दोस्त को फ़ोन किया, मेरा गराज वाला था जिससे मैं अपनी गाड़ियाँ बनवाता हूँ। मैंने उसे कॉल की, मैंने कहा अभी फ़ौरन जाओ, भाई उधर खड़े हैं, और उनका नंबर मैंने दिया, मैंने कहा उधर जाके उनसे रابطہ करो और मुझे भी कॉल करो और जाके उनसे बात करो जो गाड़ी अभी लेने वाले हैं उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं मौजूद होता तो फिर कोई मसला नहीं था, मैं नहीं चाहता कि कोई किसी किस्म का गाड़ी में प्रॉब्लम आए। इतने ज़्यादा वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे अच्छी सी गाड़ी जो है ना वो ले दें, तो मैं नहीं चाहता कि किसी किस्म की प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे नहीं था। फिर मैंने बंदा हायर किया वहाँ पे उनके लिए, तो जनाब अभी गाड़ी उस बंदे ने फिर देखी, सारी चेकिंग की गाड़ी, उसके बाद हमने इसकी बिडिंग की। तो बिडिंग करने के बाद जी माशाल्लाह गाड़ी बड़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मिली। अभी जाके दिखाते हैं गाड़ी कौन सी है, बड़ी ही प्यारी और माशाल्लाह अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए, तो बड़ी अच्छी गाड़ी है इंशाल्लाह। लेट्स गो, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये जी माशाल्लाह गाड़ियों के ऑक्शन में भाई पहुंच चुके हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ये देखें सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बिडिंग स्टार्ट हुई है इस वक्त, तो ये सारी फॉर सेल के लिए हैं। एक्सीडेंट जो गाड़ियाँ होती हैं, ये टोयोटा का मॉडल है। ठीक है, इसकी कैमरी की ये शेप लग रही है आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मसरूफ़ था। अभी भाई ये उन्होंने उधर मुझे जाके वीडियो बना के ये सारी भेजी हुई हैं, फिर मैंने इनमें से उनको गाड़ी जो सिलेक्ट करके दी थी, मैंने कहा ये वाली गाड़ी की आपने बिडिंग लगानी है, क्योंकि उन्होंने मुझे वीडियो बना के जो भेजी थी उसमें से मैंने वो गाड़ी फिर चूज़ की। मैंने कहा ये वाली गाड़ी है, इसको आपने जो है ना इंशाल्लाह हम इसकी बिडिंग लगा के इसको लेंगे। तो ये देखें जी ये गाड़ी की हालत चेक करें, ओहो कितना इसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है। तो इस तरह यहाँ पे काफ़ी सारा अच्छी गाड़ियाँ भी मिलती हैं और डैमेज वाली भी होती हैं बहुत सारा, बस आप देख के गाड़ी लें, उसकी चेसिस वगैरह और इंजन वगैरह गियर वगैरह। तो आप उस वक्त गियर तो आप चेक नहीं कर सकते, लेकिन इंजन वगैरह तो चेक कर सकते हैं मैनुअली तरीके से। तो ये देखें जी ये माशाल्लाह मर्सिडीज़ गाड़ी, तो ये भाई ने मुझे अभी सारी वीडियो बना के भेजी हैं कि भाई जान मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पर, आप देखें इंशाल्लाह।
इसी ऑक्शन से भाई ने गाड़ी उठाई है। इंशाल्लाह आज इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि कौन सी गाड़ी ली है। अभी वीडियो के साथ आप बने रहिए। माशाल्लाह बिडिंग इस वक्त चल रही है BMW की। इस वक्त जो है ना वो नंबर आया हुआ है। ये देखें गाड़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा इसकी एक्सीडेंट हुई है ये गाड़ी। और ये रेंज रोवर वगैरह यहाँ पे खड़ी हैं, ठीक है। लोग देख रहे हैं सारी इसकी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से गाड़ी चेक हो रही है, उसके बाद फिर इसकी बिडिंग होगी। तो चलें जी वीडियो के साथ बने रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आगे आने वाली है भाईजान की गाड़ी जो इस गाड़ी की बिड लगाई है। तो गाड़ी कितने में मिली है, क्या हिसाब किताब है, सारा आपको इसमें बताया जाएगा। वीडियो को मत स्किप करिएगा क्योंकि इसी वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी मिलने वाली है। क्योंकि ये गाड़ी अभी यहाँ से हम लेके बाद में इसको हम गराज में लेके जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से बनवाएंगे, टोटल प्रोसीजर आपको इसमें बताया जाएगा किस तरह क्या हुआ। क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था और मेरा फ़ोन पे ही उनके साथ रابطہ था। तो जैसे ये देखें इस वक्त बिडिंग लगी है, इस तरह बिड लगाई और गाड़ी जो है ना माशाल्लाह अच्छी और रिजनेबल प्राइस में मिल गई। तो इस तरह मैंने उनकी जो है ना हेल्प की है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे कि भाई अच्छी गाड़ी नहीं मिल रही, बड़े महीने हो गए हैं मैं ढूंढ रहा हूँ गाड़ी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे जो है ना वो लग गया, गाड़ी अच्छी नहीं मिल रही, आप प्लीज़ काइंडली, मैंने आपके ब्लॉग देखे हैं तो बहुत पसंद आई है। तो चलें जी। हाँ जी समाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। ये रासिल साथ था जी, रासिल स्पेशल आया और ये 2019 मॉडल है ऑप्टिमा। तो जी ये भाई थे, माशाल्लाह आपने उनकी आवाज़ सुनी, वो बता रहे हैं कि समाद भाई माशाल्लाह गाड़ी ले ली है, 2019 मॉडल ये गाड़ी है, किया ऑप्टिमा। तो माशाल्लाह न्यू शेप में विद जो है ना वो अलॉय रिम्स वगैरह के साथ, देखें अलॉय रिम्स कितने प्यारे हैं, टोटल ओरिजिनल पेंट है, कोई किसी किस्म का ज़्यादा माइनर सी एक्सीडेंट है, ये लाइट से डेंट थोड़े से आपको नज़र आए, ये ड्राई डेंट हम निकाल देंगे इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। और ये देखें बैक इसकी लाइट्स चेक करें कितनी प्यारी, और न्यू शेप में टोयोटा सॉरी किया 2019 मॉडल किया माशाल्लाह बड़ी प्यारी और बड़ी ही प्यारी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजर बात से बचाए। ये देखें जी अंदर का इंटीरियर की बात की जाए तो माशाल्लाह कितना प्यारा इसका जो है ना वो इंटीरियर है। ये थोड़ा सा डैमेज है लेकिन इसको जो है ना रिपेयर कर लिया जाएगा, इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। बाकी इसका आप देखें डैशबोर्ड वगैरह और कितना माशाल्लाह, ये जो है ना यूनिक किस्म का कलर है गाड़ी का, सिल्वर कलर में और अंदर से ब्लैक इंटीरियर के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना आउट क्लास लुक जो है ना निकलती है इसकी। अगर इसकी बाद में पॉलिशिंग वगैरह भी करवाई जाएंगी अच्छे तरीके से प्रॉपर, ये जो भाई अंदर आपको नज़र आ रहे हैं ये मैंने हायर किए हैं, ठीक है। सारा प्रॉपर इन्होंने गाड़ी को चेक किया है, उसके बाद हमने इसकी बिडिंग की है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं था तो मैंने इनको हायर कर दिया था। मैंने कहा ये बंदे चेक करेंगे, अभी ये गाड़ी के जी प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से सारा जो है ना इसका चेकिंग हो रही है। ये इसका पेंट चेक किया जा रहा है कि कहीं गाड़ी पेंट तो नहीं है, कोई पीस इसका डैम पहले से पेंट तो नहीं हुआ, रीपेंट तो नहीं की गई, ये बोनट पे पूरा प्रॉपर चेक किया जा रहा है। माशाल्लाह गाड़ी कहीं से भी पेंट नहीं है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है, बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में है। माइनर सा सिर्फ और सिर्फ माइनर सा इसको एक्सीडेंट था, जो हल्का सा एक्सीडेंट था वो ड्राई डेंट जो थे वो निकालने थे वो निकाल देंगे, लाइट सा इसका बम्पर को स्क्रैच वगैरह थे वो भी हो जाएंगे। अभी ये सारा जो है चेकिंग की जा रही है, प्रॉपर तरीके से इसको जो है ना देखा जा रहा है, देखें कहीं से गाड़ी पेंट तो नहीं है, कहीं से इसका दोबारा से पेंट रीपेंट तो नहीं हुई। माशाल्लाह गाड़ी कहीं से भी पेंट नहीं है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। और अभी बात करते हैं ये गाड़ी हमें कितने की मिली और किस तरह ये अभी बनेगी, इसका प्रॉपर एक व्लॉग जो है वो बन रहा है, आप देखते जाएँ इसको आगे। तो ये गाड़ी जी हमने ली है, माशाल्लाह गाड़ी देखें उन्होंने ओके की रिपोर्ट दी है, गाड़ी ली थी हमने 19,000 दिरहम की। तो अभी ये गाड़ी आ चुकी है हमारी गराज में, इसको अभी गराज में ले जा के इसका जो थोड़ा सा देखें काम था, मैंने कहा इसका आप एक काम करें ड्राई ट्रेन निकालने के बजाय इसको रिपेंट हल्का सा करवा देते हैं, टचिंग करवाएंगे क्योंकि जो है ना गाड़ी अपनी प्रॉपर लुक में रहे। तो बम्पर जो था वो थोड़ा स्क्रैचेस थे वो भी। तो ये थी जी गाड़ी माशाल्लाह 2019 मॉडल किया, और आपने देखी गाड़ी माशाल्लाह कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत गाड़ी है। अल्लाह पाक उनके नसीब करे, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, और बड़े अच्छे माशाल्लाह मेरे सब्सक्राइबर हैं, भाइयों जैसे हैं, और मैंने उनके साथ जो तावन किया है बिल्कुल, इसमें ना तो मेरी कोई कमीशन थी
ना मैंने कोई किसी किस्म का लालच था मुझे किसी किस्म का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब वो आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके साथ एक व्लॉग बनाऊं, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था मैं समाद भाई आपके पास आना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मैंने कहा पहले ये गाड़ी सही करवाएं, गाड़ी को रेडी करें, फिर मेरे पास आएं, इंशाल्लाह बैठेंगे, गपशप करेंगे, चाय वगैरह पियेंगे, खाना वगैरह खाएँगे। तो मैं कुछ मसरूफ़ था, इसलिए मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं बना सका। तो आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के मैंने कहा मैं आपके साथ ये जो आज का स्टोरी थी वो आपके साथ शेयर कर दूं। गाड़ी अभी जी गराज में भरने के लिए दी हुई थी, गाड़ी माशाल्लाह हो गई है, बिल्कुल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी गाड़ी जो है जी, कल आज तो संडे था, आज नहीं गए, कल इंशाल्लाह पासिंग के लिए लेके जाएंगे, गाड़ी पास करवाएंगे और इंशाल्लाह उसको लगेगा नंबर, फिर भाई लगाएंगे मेरे पास चक्कर इंशाल्लाह। बिलाल भाई अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, और आप सब के साथ इंशाल्लाह एक दिन मुलाकात होगी। इसमें यह है कि मैं चाहता हूं कि ये सारी जो मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं सदका जारी है, मेरे लिए दुआ करें, मुझे किसी किस्म का कोई पैसों का लालच नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बड़ा एहसान है। बस ये चाहता हूं कि किसी का नुकसान ना हो, वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ मेरा ये होता है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक आप सबको अपने ख़ास ख़जानों में से अता फरमाए और मुझे भी, आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ काइंडली इसको शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा दूसरों को भी हो। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली इसको ज़रूर कर लें ताकि आने वाला व्लॉग आप तक टाइम पे पहुंचता रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।